दोस्तों आज बनाने वाले हूँ आलू 65 रेसिपी। जैसे चिकन 61 ऐसा मसाला सब समय इसमें आलू जाएगा, मतलब वेजिटेरियन। इसमें मैं पहले पानी लिया, इसमें आइस डाल दिया, मतलब बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए भाई। आइस डालिए नहीं तो ठंडा पानी फ्रिज में रख दीजिए, क्यों आलू छिलके इसमें डालने चाहिए। तो पानी को साइड कर लेंगे। इसका मैं 6-7 पीस आलू लिया, मैं छोटा साइज में लिया, तो बड़ा साइज में अंदर को फोल रहता है इसीलिए नहीं लिया, मैं छोटा साइज में पहले से छील लिया। इसको ग्रेट कर लेंगे इस तरफ से, है नहीं दूसरा वाला है तो ग्रेट कर लेना, हाथों से नाइस कटिंग काट सकेगा तो कर, इसमें काट रहे थे बहुत बढ़िया रहता है। इस तरह उसे कर लेंगे ग्रेट कर लेंगे। इसे संग पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल दोस्तों कम से 20 मिनट हो गया, 20 मिनट पानी में रख के रखना चाहिए, 20 मिनट रखा था। देखो आलू का पूरा इस तरह पूरा खड़ा हो गया, मतलब थोड़ा ताज़ा जैसे लग रहा है, हो गया। इसको पानी में निकाल लेने, इस तरह दोनों हाथ लगा के निकाल लेने चाहिए, पानी को बिल्कुल पानी नहीं देना चाहिए नहीं तो क्रिस्पी नहीं होगा। इस तरह से बना के आलू का भुजिया वो बना सकते हैं, इसका हाथ नमकीन का जैसे फ्राई वाला। सारे को निकाल लिया दोस्तों, कटा लेंगे। इसके बाद नमक, पहले नमक मतलब हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर मतलब गोलमरीच, काश्मीरी चिली पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर, चिल्ली पाउडर तीखा चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर पड़ी थी, पच्चीस ग्राम का कॉर्नफ्लावर क्रिप से नहीं करिए, पाउडर है तो डालिए इसका साथ, मैदा मत डालिए। नींबू का रस चाहिए तो 2 पीस दे सकते हैं। आधा रसून का पेस्ट